How's that? नमस्कार, मैं श्रुतिजा और आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। चलिए बढ़ते हैं क्रिकेट से जुड़ी आज की 11 खबरों की ओर। अतरंगी अंदाज में दिखे जैक्स कैलिस। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जैक्स कैलिस का नाम क्रिकेट की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में लिया जाता है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सुर्खियों में वे बने रहते हैं। मगर एक बार फिर से जैक्स सुर्खियों में आ गए हैं, मगर इस बार अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी के लिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपने एक तस्वीर के लिए। इस तस्वीर को जैक्स ने खुद ही शेयर किया है, जिसमें उनके आधे चेहरे पर दाढ़ी तो वहीं आधे चेहरे शेव किए हुए हैं। स्टीव स्मिथ करते दिखे अपनी और विराट कोहली की ताजपोशी। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि स्टीव स्मिथ के बयान को सुनकर आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के शानदार बल्लेबाजों में गिने जाने वाले स्टीव स्मिथ ने हाल ही में पत्रकारों को दिए अपने एक व्यक्तिगत साक्षात्कार में कहा है कि मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि विराट कोहली एक शानदार बल्लेबाज है, मगर वह सिर्फ अपने देश के ही राजा है, लेकिन मैं पूरे विश्व का राजा हूं, इसलिए विराट कभी मेरी जगह तो नहीं ही ले सकते। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने यह बातें तब कही जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या विराट कोहली का नाम नंबर एक बल्लेबाज की श्रेणी में आने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने तोड़ा कोहली और सचिन का रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे डे एंड नाइट टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने विराट और कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि अब स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। स्टीव ने यह कारनामा महज 126 पारियों में कर दिखाया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच में जैसे ही स्टीव के बल्ले से 24 रन लगे, वैसे ही उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। एरोन फिंच हुए चोटिल। क्रिकेट के मैदान में अक्सर खिलाड़ी चोटिल हो ही जाते हैं। यह गेम है भी कुछ ऐसा ही, जहां कब किसको चोट लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के शानदार बल्लेबाजों में गिने जाने वाले एरोन फिंच के साथ हुआ है। एफिल्ड सिल्ड के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच के सर पर गेंद लग गई, जिसकी वजह से उन्हें मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा। आपको बता दें, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच खेले जा रहे मैदान के दौरान जेम्स पेंटिंगटन की गेंद शॉर्ट लेग पर खड़े एरोन फिंच के सर पर जाकर लग गई थी। धोनी को लेकर बोले सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के नव नियुक्त अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर अभी फैसला होना बाकी है और हमारी तरफ से धोनी को लेकर सारी स्पष्टता है कि कैसे किस तरीके से हम धोनी के भविष्य को संभाल सकते हैं, लेकिन अभी हम इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर सार्वजनिक नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इन दिनों कैप्टन कूल के नाम से कहे जाने वाली धोनी की क्रिकेट में वापसी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। रोहित शर्मा की लगातार बढ़ रही है मार्केट वैल्यू। भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बतौर बल्लेबाज रोहित ने साल 2019 में कई शानदार पारियां अपने नाम दर्ज की हैं। रोहित के इसी उम्दा प्रदर्शनी से रोहित शर्मा की ब्रांड वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी रोहित शर्मा में अब दिलचस्पी दिखाने लगा है, जिससे कि अब रोहित शर्मा की सालाना कमाई में 75 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ज्ञात हो, रोहित शर्मा भी टेलीविजन कमर्शियल, प्रमोशनल इवेंट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए 1 करोड़ रुपए लेते हैं। आईसीसी और बीसीसीआई आमने सामने। बीसीसीआई को क्रिकेट की दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। अब यही बीसीसीआई आईसीसी के सामने खड़े होने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आईसीसी ने अपने एक इवेंट में टीम के सभी सपोर्ट स्टाफ में भारी कटौती करने का निर्णय लिया, जिससे कि क्रिकेट के तीन बड़े बोर्ड यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिसका अंदेशा बीसीसीआई को काफी समय पहले से ही हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप अब बीसीसीआई ने आईसीसी के इस फैसले का विरोध करने का फैसला किया है। बुमराह की तारीफ में बोले मलिंगा। श्रीलंका के महान गेंदबाजों में सुमार लसिथ मलिंगा अपने उम्दा यॉर्कर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिनका दीवाना हर गेंदबाज है, मगर मलिंगा खुद किसी और की गेंदबाजी पर कायल हुए हैं और वो कोई और गेंदबाज नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। हाल ही में cricket.com को दिए अपने व्यक्तिगत साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि बुमराह एक यॉर्कर का कोई जवाब नहीं है। मैं खुश हूं कि अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में मैंने किसी ऐसे खिलाड़ी की मदद की जो कि आज की तारीख में नंबर एक गेंदबाज है। इस भारतीय गेंदबाज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मचाया तहलका।
कर्नाटक के तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी शानदार गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। अभिमन्यु ने हरियाणा के विरुद्ध खेले जा रहे मैच में डबल हैट्रिक समेत 6 गेंदों में 5 विकेट लेकर सामने वाली टीम के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए। ज्ञात हो अभिमन्यु मिथुन ने यह कारनामा हरियाणा के विरुद्ध खेले जा रहे सेमीफाइनल मैच के दौरान किया है। आपको बता दें कि आखिरी ओवर मिथुन ने महज 2 रन दिए थे, वहीं उससे पहले उन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए, जिसके बाद हरियाणा की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 194 रन पर ही सिमट गई थी। किरण पोलार्ड ने उड़ाई रोहित के रातों की नींद। 6 दिसंबर को वेस्टइंडीज और भारत के बीच में T20 सीरीज खेला जाना है, जिसके बाद दोनों टीम 15 दिसंबर से वनडे सीरीज का भी हिस्सा बनेगी। ऐसे में टीवी चैनल पर कई तरह के विज्ञापन भी बनाए गए हैं, जिसमें से एक विज्ञापन में किरण पोलार्ड रोहित शर्मा की नींद खराब करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद रोहित शर्मा गुस्से में अपना फोन सुबह के 4 बजे पटकते नजर आ रहे हैं। रोहित और पोलार्ड के इसी वीडियो को पोलार्ड ने शेयर किया, जिस पर रोहित ने गुस्से वाले इमोजी के साथ किरण पोलार्ड को भी टैग किया है। खूबसूरत एंकर को देख फैन ने रिकी पॉन्टिंग को बना दिया फोटोग्राफर। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एंड नाइट टेस्ट मैच का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग को एक फैन के रवैये ने आश्चर्यचकित कर दिया। मैच देखने आए उस फैन ने जैसे ही अपने सामने एक खूबसूरत एंकर की झलक देखी, वैसे ही उसने अपना कैमरा रिकी पॉन्टिंग को पकड़ा दिया और कहा कि वो उन दोनों की फोटो खींच दें। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। हम आशा करते हैं कि आपको क्रिकेट से जुड़ी आज की 11 खबरें पसंद आई होंगी। क्रिकेट से जुड़ी प्रतिदिन की खबरें एवं पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।